आवर टॉपिक इज टोपोलॉजी ऑन अ सेट। हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि कोई कलेक्शन, किसी सेट के पावर सेट की कोई कलेक्शन आपके पास टोपोलॉजी कब बनती है, जब वो तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो सेकंड और थर्ड से इम्प्लाइज की जा सकती है। टोपोलॉजी ऑन अ सेट can also be defined by the second axiom and the third axiom. First axiom will be followed from the second and third. The reason of this one is this. Here, the union of the elements of the empty class is equal to empty. Yani ki agar hamare paas जो सब क्लास है टाओ की, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो उसके ऊपर जब हम यूनियन को रन करेंगे तो हमारे पास आंसर में एम्प्टी सेट आएगा। द सेकंड वन इज इंटरसेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एम्प्टी क्लास इज कंप्लीट एक्स। अब ये जो दोनों कंडीशंस हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज हैं, ये सेट थ्योरी की प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। इसमें कुछ हमें ऑकवर्ड सा लग रहा है, वो क्या कि ये कैसे हो सकता है कि एम्प्टी क्लास जो है उसके एलिमेंट्स को अगर मैं यूनियन करूं तो मेरे पास एम्प्टी सेट आए, और एम्प्टी क्लास की के एलिमेंट्स को जब इंटरसेक्शन लूं तो मेरे पास कंप्लीट एक्स आए। हमारे पास एम्प्टी क्लास का क्या मतलब है? एम्प्टी क्लास का मतलब है कि उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब उसमें से हम एलिमेंट लेंगे, इट मीन्स कि हम उसमें से कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे, तो उनका जो यूनियन है हमारे पास एम्प्टी सेट आएगा। इसके लिए हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि यूनियन प्रोसीजर कैसा है। यूनियन का मतलब है कलेक्शन, हम कंबाइन करते चीज़ों को, इकट्ठा करते हैं। जब हमारे पास कुछ इकट्ठा करने के लिए नहीं है तो आपके पास जो आंसर आएगा वो एम्प्टी आएगा, यानी कि एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। लेकिन इंटरसेक्शन में हम कुछ चीज़ों के कॉमन एलिमेंट्स को कलेक्ट करते हैं। जब हमारे पास कुछ है ही नहीं है कि जिसके हम कॉमन एलिमेंट्स को कलेक्ट करें, तो हमारे पास कंप्लीट एक्स बनता है। तो यूनियन एज एन ऑपरेशन कलेक्शन ऑफ द एलिमेंट्स है। इनके विद द जैसे जैसे आपके पास एलिमेंट्स बढ़ते जाएंगे, इनके नंबर ऑफ सेट्स बढ़ते जाएंगे, आपके पास यूनियन बड़ा होता जाएगा। यानी कि जब आप स्टार्ट करेंगे तो आपके पास कुछ भी नहीं होगा। और इंटरसेक्शन में जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सेट्स को बढ़ाते जाते हैं, यानी कि ए का इंटरसेक्शन, यानी कि उसके किसी भी एलिमेंट किसी भी और सेट के साथ नहीं लेंगे, तो आपके पास आंसर ए आएगा। जब ए का इंटरसेक्शन किसी और दूसरे सेट बी के साथ लेंगे, तो आपके पास वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हैं और बी में भी हैं, यानी कि आपके पास नंबर ऑफ ऑप्शंस फॉर द एलिमेंट्स कम होती जा रही। जैसे ही आप सी को उसके साथ इंक्लूड करेंगे उस इंटरसेक्शन में, तो आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो और कम हो जाएंगे। तो जब आपने स्टार्ट किया था तो आपके पास कंप्लीट एक्स था चॉइस के लिए। जैसे आपने ए को इंट्रोड्यूस किया इंटरसेक्शन में, इनके एक सेट को इंट्रोड्यूस किया, तो आपके पास सिर्फ ए के एलिमेंट्स की चॉइस आ गई। जब आपने उसमें बी की ऑप्शन को इंटरसेक्शन के साथ इंक्लूड किया, तो आपके पास ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स की चॉइस, इनकी आप ए और बी के कॉमन एलिमेंट्स को चूज कर सकते हैं। जब आपने सी को साथ इंक्लूड किया इंटरसेक्शन में, तो आपके पास ए बी सी के जो तीनों के कॉमन एलिमेंट्स हैं, सिर्फ आप उनको चूज कर सकते हैं। तो जस्ट दिस इज द मैटर ऑफ ऑपरेशन, के ऑपरेशन कैसे विद द इंक्रीजिंग एलिमेंट्स, किस तरह आप जब जैसे जैसे एलिमेंट्स को बढ़ाते जाते हैं, इनके सेट्स को बढ़ाते जाते हैं, तो ऑपरेशन किस तरह वर्कआउट करता है। तो यूनियन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होता, और जब इंटरसेक्शन को स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास कंप्लीट एक्स होता है। सो दैट्स व्हाई जो आपके पास टोपोलॉजी ऑन अ सेट है, उसके लिए जो फर्स्ट कंडीशन है उसका जो फाई है वो इम्प्लाइज हो जाता है सेकंड कंडीशन से, और जो उसका एक्स है वो इम्प्लाइज हो जाता है थर्ड कंडीशन से। तो किसी सेट के ऊपर जो टोपोलॉजी है वो जस्ट इन दो कंडीशन से जो है वो सेटिस्फाई करवाई जा सकती है।